अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मेरी ये थोड़े बहुत मर्दाना आवाज़ से आपको पता चल गया होगा, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सामने जो है तो मेडिसिन भी है। तो उस दिन जो है जो मैं पार्क गई थी, जिस दिन मैं लाइव आई थी, वो पता नहीं वो हवा चल रही थी जो भी था, उसके बाद जो है तो मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो अभी बच्चे किंडरगार्टन स्कूल जा चुके हैं, तो मैंने कहा लाओ पहले मैं दवाई खा लूँ ताकि थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए। आज मेरे हस्बैंड की भी कुछ अपॉइंटमेंट्स है तो वो भी घर पर नहीं है, तो आज जो है तो सब कुछ मैंने ही करना है। तो मैंने कहा सुबह बस ये मेडिसिन खा लूँ ताकि थोड़ी सी जान में जान आ जाए। तो ये अभी मैंने एस्प्रिन ले लिया है और अभी जो है तो मैं अपने बेटे के लिए भी सुबह का नाश्ता जो उसका होता है, मैं कभी उसको ये ब्राय बना के देती हूँ, कभी जो है तो कुछ और हो जाता है। लेकिन आज क्योंकि मैं बहुत डाउन फील कर रही थी तो मैंने कहा लाओ ये सिंपल है, बस ये मैं उसको दे देती हूँ। और वो इतना कोई डेस्परेटली वेट कर रहा है कि मामा कब मुझे खाना देगी कि मैं खा लूँ। और ये जो है तो अभी मैं उसको प्रॉपरली उसको बिठा दूँ ताकि वो खा ले, उससे मैं थोड़ी फारिग हो जाऊं। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड आज घर पर है नहीं, तो फिर मुझे अपनी बेटी को भी स्कूल से पिक करना है और उसको हॉट लेके जाना है, तो मैं इसको इंशाल्लाह खिला दूं। तो उसके बाद मुझे जाना है उसको हॉट, मतलब उसकी छुट्टी स्कूल से तो यहाँ पर स्टार्ट में छुट्टी बहुत जल्दी होती है, 11:30 तक हो जाती है, तो मतलब वो तो पता भी नहीं चलता उस टाइम का। तो उसके बाद वो हॉट होती है, वो 4:30-5 तक फिर वहाँ पर होती है। तो ये अभी जैन ने प्रॉपरली खा लिया है, तो मैं उसको अभी कोको मेलन लगा के देती हूँ, जो कि मेरे ख्याल से हर बच्चे का फेवरेट है। मैं इसको इसलिए नहीं लेके जाना चाहती कि ऐसा ना हो कि ये भी बीमार हो जाए। तो मुझे भी जल्दी फिर सिर्फ जाना ही है, उसको पिक करके हॉट ड्रॉप करना है। और उसकी फ्रेंड को भी, उसकी मम्मा ने मुझे मैसेज किया हुआ था, उसकी भी कोई अपॉइंटमेंट थी, तो अब डेफिनेटली मुझे जल्दी से जाना पड़ेगा। तो ये अभी जो है तो जैन का फेवरेट कार्टून मैंने लगा दिया कोको मेलन, वो बेहोश हो गया है। और ये जो है तो मैंने अपनी बेटी को हॉट ड्रॉप कर दिया है। मेरे पास मतलब मैंने उस टाइम कोई वीडियो बनाई नहीं क्योंकि तबीयत डाउन थी, तो इतना ज़्यादा वो नहीं था। मुझे उसके बैग्स भी लेके आने थे, उसकी फ्रेंड का भी, क्योंकि उसकी मम्मा नहीं आई थी, तो इसलिए मुझे मौका नहीं मिला कि मैं जो हूँ तो उनकी उस टाइम की वीडियो बना लूँ। तो अभी जो है तो घर जाके मुझे थोड़ा सा कुछ बनाना भी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आज 2-3 अपॉइंटमेंट्स है, आज उन्होंने छुट्टी ली हुई है और वो अपनी टर्मीन्स कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि उनके आने से पहले ही कुछ खाने का बना लूँ मैं जल्दी से। तो ये मैंने स्टेक पहले से निकाले हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आज जो है तो कुछ डिफरेंट बनाती हूँ। ये जो है तो स्टेक को अलग से मैं फ्राई कर रही हूँ और उसके लिए जो है तो मैं ग्रेवी अलग से बनाऊँगी। तो मैं अनियन अभी उसको चॉप कर रही हूँ चॉपर में, और उसके बाद इसका प्रॉपर सालन बन जाएगा जब तक कि जो मेरे स्टेक है वो प्रॉपरली कुक हो जाएंगे। तो फिर ये जो है तो मैं उसमें मिक्स कर लूँगी। मैंने 2 दफ़ा पहले भी ये बनाया था, तो फर्स्ट टाइम जो है तो मेरे फ्रेंड उनैरब उसके हस्बैंड आए थे तब मैंने बनाया था, उनको बहुत अच्छा लगा था। और स्पेशली मेरे हस्बैंड को, ही इज़ नॉट अ फूडी पर्सन, लेकिन उनको भी बहुत ही अच्छा लगा था। तो मैंने कहा चलो आज जो है तो ये बना लेती हूँ क्योंकि ज़ेन सो रहा था। तो ये जो है तो आप देख सकते हैं इसका थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है डेफिनेटली। तो ये अभी जो है तो मैं उसकी ग्रेवी बना रही हूँ, साथ साथ में जो है तो ये स्टेक भी बन रहे हैं, अच्छा खासा कुक हो चुके हैं। तो जैसे मेरी ग्रेवी प्रॉपरली कुक होती है तो उसके बाद ये जो है तो मैं उसमें ऐड कर लूँगी, थोड़ा सा पानी और मैं शामिल करूँगी ताकि जो सारे मसाले हैं और चीज़ें हैं वो उसमें गोश्त में सही से चली जाए, उसका जो अरोमा है वो आ जाए। तो इसमें मैंने सिर्फ ब्लैक पेपर डाला हुआ था और नमक डाला था यहाँ पर अलग से फ्राई करने के लिए। तो आज जो है तो एक डिफरेंट डिश भी है, मैंने सोचा चलो अब जो है थोड़ा नॉर्मल रूटीन की तरफ आके, नॉर्मल जो व्लॉग्स होते हैं उसकी तरफ आती हूँ, कुछ टाइम से मैंने बिल्कुल छोड़े हुए थे। तो कुछ मेरी दोस्तें जो है तो वो पूछ भी रही थी मुझसे बाकायदा कि यार तुम जो है तो बिल्कुल ही वो प्रॉपर वाली वाले व्लॉग्स नहीं बना रही हो। तो मैंने कहा लाओ जो है तो आज तो बनता है, मैं बना लेती हूँ। और ये जो है तो यखनी, मैं वैसे भी सर्दियों में ज़्यादातर यखनी बना के देती हूँ हस्बैंड को भी और बच्चों को भी, ये बड़ा अच्छा होता है। तो ये मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी कल की, तो ये जो है तो मैंने कहा मैं पी लेती हूँ। और आदम के लिए मैंने पहले से पिज्ज़ा बना लिया था क्योंकि जब वो किंडरगार्टन से आता है तो उसको बड़ी भूख लग रही होती है, तो क्योंकि अभी वो आने वाला था तो मैंने पहले से उसके लिए बना दिया था। तो मेरी शाम तक तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और ये यखनी पीते हुए मुझे बिल्कुल भी ना टेस्ट नहीं आ रहा था। मैंने कहा हाय अल्लाह
हो गया मुझे कोरोना हो गया मुझे कोरोना। और फिर मैंने कहा चलो मैं जो हूँ तो घर में ही, मेरे पास किट्स पड़ी हुई थी काफ़ी, कुछ मेरी फ्रेंड थी वो भी लेके आई थी उस दिन मेरे लिए, और उसके पास भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने कहा चलो मैं टेस्ट करती हूँ। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मुझे कह रहे पहले कुछ खा लो, पहले कुछ खा लो। मैंने कहा मुझे टेस्ट नहीं आ रहा। तो खैर मैंने जो है तो फिर जो है ये जो घर में ही टेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, किट पड़ी हुई थी वो ली और मैंने टेस्ट किया प्रॉपरली सॉरी, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस वही ना, आजकल तो आपको मेरा फर्स्ट ये अभी इस मौसम का पहला वाला फ्लू है, लेकिन इतना कोई डरा दिया है इस कोरोना ने सबको कि भाई आपको हल्की सी फ्लू भी होती है तो आपको लगता है कि बस मुझे कोरोना हो गई मुझे कोरोना हो गया। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव था, शुक्र है। और आई होप कि ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मुझे अपनी खास दुआओं में याद रखे कि अल्लाह मुझे जल्दी से सेहत दे और ये जो मेरी थोड़ी बहुत मर्दाना आवाज़ होगी ये भी ठीक हो जाए। और आप लोग मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरी फैमिली को मुझे अपनी दुआ में याद रखें, जहाँ रहें खुश और आबाद रहें और पॉजिटिविटी के साथ रहें, और अल्लाह जो है तो हमें अच्छे काम करने की तौफीक दे और बुराई से अल्लाह हमें बचाए। और अपना बहुत सा ख्याल रखे। ओके।